Okay everyone, so my name is Avot and bro, आज अपन खेल रहे हैं Minecraft यार and आज ना भाई मैंने Minecraft में बहुत ही मस्त चीज करी अपने घर के साथ में and आज अपन बनाएंगे Minecraft में अपना खुद का एक कैसल टावर, ठीक है? तुम लोग आ जाओ एक बार, फिर बातें करते हैं यार। ओके, तो मैं आ चुका हूँ मेरे वर्ल्ड में एंड रात हो रही है यार। मैं जब भी आता हूँ रात क्यों होती है, मैं सो जाता हूँ, ठीक है? पहले सुबह उठ के बातें करेंगे अपन। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड माय नेम तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ एंड कौन मर रहा है, किधर है भाई? ये चीज है, मैंने पहले रिवील कर दी तुम लोगों को, हालांकि मेरे को करनी नहीं थी, बट कोई बात नहीं, वापस आऊंगा इस पे, ठीक है? बट ये तुम देखो, यहाँ पर देख रहे हो भाई तुम, कितने ज्यादा ज़ॉम्बीज़ हैं यार, इतने आराम से मर रहे हैं ये लोग, है ना? एंड मैं तुम्हें बताता हूँ एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पे, कि अपना जो विलेजर है ना अटक गया है इस एक ब्लॉक पर एंड इसके पीछे पड़े बहुत सारा ज़ॉम्बी, ठीक है? एंड यार एक तो ना मेरे को मेरा बेडरूम बड़ा ही प्यारा लगता है, ठीक है? बहुत ही कोजी कोजी सा फील देता है, एक तो चारों चारों लालटेन एंड ये देखो तुम, फाइनली मैंने अपने बेडरूम के लिए बना ली एक बालकनी, ठीक है ब्रो? ये बालकनी मैंने बनाई है एंड यहाँ से बाहर आओगे तुम तो तुम वापस से टेक लेंगे, ठीक है? पोपट हो गया मेरा। एंड यहाँ से जो तुम बाहर आओगे भाई तो तुमको ये नजारा मिलेगा, ठीक है? दिस इज माय फार्म गाइस, बहुत ही सही फार्म बनाया मैंने, मतलब इतनी मेहनत करी ना मैंने। कल तुमने जो देखा था फार्म वो पूरी तरह से बना नहीं था, अभी मैं तुमको बताता हूँ, बट उससे पहले तुम देख लो ब्रो, मैंने यहाँ पे ना इस बालकनी को इसलिए बनाया है बिकॉज भाई यहाँ से अपन निगरानी कर सकते हैं, अपने फार्म में कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, ठीक है? या फिर मेरे ये विलेजर मेरे से धोखा कर रहे हैं, मेरे विलेजर मेरे ही पेड़ पौधे खा रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं है, सॉरी मेरे ही विलेजर मेरी फसल खा रहे हैं भाई। इन सब की निगरानी रखने के लिए ना मैंने यहाँ पे बालकनी बना दी है एंड मैं सोच रहा हूँ उसको ढकूं क्या, मतलब ग्लास वगैरह लगा के, मेरे को ना ऐसे ही ओपन ओपन बढ़िया लग रहा है, ठीक है ना? मेरे को कुछ करना नहीं है। ये देखो यहाँ पर गेट है, सिंपल सा, अपन थोड़ा सा आधी लाइफ कम होगी बाकी सही है, ठीक है? ऐसे यहाँ सीधे से कूद जाएंगे, यहाँ से गेट लगा दिया है मैंने एंड ये देखो भाई फाइनली अपना फार्म ना पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो ब्रो ना मैंने पूरे एरिया को प्लेन कर दिया है एंड यहाँ पे मैंने सारे के सारे स्टोन किए लगा दिए, ठीक है ना? जितने भी अपने पास में स्टोन बरते थे वो सारे के सारे मैंने साइड में लगा दिए हैं बिकॉज ब्रो ना मैं चाह रहा था लुक एक नंबर आना चाहिए यार। ओके, एंड तुम देख सकते हो मैंने चारों तरफ ने यहाँ पे लैंटर्न लगा दिए हैं बिकॉज ब्रो ना क्या है, रात में बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था। अब देखो मैं चाहता ना तो यहाँ पे यार लगा सकता था, वो क्या बोलते हैं उसको, टॉर्च लगा सकता था, बट मजा नहीं आता, ठीक है? वी आर पिरोस, अपन लगाएंगे हमेशा की तरह लैंटर्न, ठीक है? बिकॉज़ सबको लैंटर्न बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो तुम देख ही सकते हो यहाँ से कि मैंने हर एक फार्म के अंदर ना अलग अलग कलर के फूल दे रखे हैं, ठीक है? इस तरफ येलो है, इस तरफ पिंक है, इस तरफ ब्लू है एंड इस तरफ ग्रीन कलर है। मैंने कहा भाई वैरायटी होनी चाहिए, यू नो जिस तरह से अपनी फसलों के अंदर वैरायटी है उसी तरह से भाई मैंने कारपेट के अंदर भी वैरायटी दी है, कुछ भी। एंड अभी मैं तुमको ना एक डेमो देता हूँ कि अपना फार्म एक्चुअली में वर्क कैसे करा है, ठीक है? यहाँ पे तुम देखना भाई पोटैटो को, अभी तुम देख रहे हो मस्त पोटैटो उग चुका है, ठीक है? पूरी तरह से फुली ग्रोन हो चुके हैं, ये शायद लीवर करूंगा ऊपर एंड अभी तुम देखना ब्रो अपने आप सारे पोटैटो आ चुके हैं मेरे चेस्ट के अंदर। यही बात होती है भाई पीरोज की, ठीक है? अब अपने को ये बंद कर देना है, यहाँ से चेस्ट के मैं से अपने पोटैटो कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ब्रो? देखो आते ही जा रहे हैं लगातार, आ जाओ भाई पहले, आ जाओ। ओके ब्रो, तो 40 पोटैटोज अपने पास में आ चुके हैं, ठीक है? बहुत ही काम आसान हो चुका है, ठीक है ना? अपने ऑटोमेटिक फार्म से मेरे को बहुत ही सही लगा। तो भाई अपने आज काफी टाइम खराब कर दिया है बट फाइनली मैंने तुम्हें बता दिया कि किस तरह से मेरा फार्म लग रहा है अभी, ठीक है? बहुत ही मस्त लग रहा है मेरे को, तो रात में तो किलर लुक देगा बिल्कुल, ठीक है? एंड जैसे कि मैंने बात करी है कि आज अपन बनाएंगे भाई इस बचे हुए टावर को पूरा करेंगे, ठीक है ना? मैंने कल काम भी करा था इसके ऊपर थोड़ा बहुत, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा, बट उससे पहले एक बात और करनी है यार, बिकॉज मेरे पास बातें बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है? करने को यार, तो तुम देख सकते हो ब्रो यहाँ पर ना अपन एक विलेजर को कैद कर रखा है अंदर की तरफ इसमें, बिकॉज ये है अपना सीक्रेट हाउस एंड भाई मेरे को नहीं पता यहाँ पे इसका दोस्त आता है कोई एक और विलेजर, ठीक है? वो यहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, वो दोनों मिलकर कुछ बात करते हैं, मतलब यू नो बीच में दीवार है फिर भी बातें कर लेते हैं पता नहीं कैसे। एंड उस बंदे ने दो दो आयरन गोलम को स्पॉन करा दिया है, ठीक है? यहाँ पर मेरे को तो ऐसे लग रहा है भाई वो बंदा ना अपने को मरवाना चाहता है, तो अपने को क्या करना चाहिए अभी? यदि मैं उस बंदे को छोड़ दूंगा ना ब्रो तो आयरन गोलम को पता लग जाएगा मैंने छोड़ा है और ये मेरे को मारना स्टार्ट कर देगा, एंड अगर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा तो मेरे को नहीं पता भाई कितने आयरन गोलम को भगा लेगा यार वो, मतलब इतना कौन मंगा सकता है भाई। तो ये देखो ब्रो अपना फार्म ना कुछ ऐसा लगता है, रात में तुम देख रहे हो क्या मस्त लगता है ना, फुल लाइट वगैरह चल जाती है चारों तरफ भाई, मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है यार ये फार्म। एंड आज के वीडियो में अपने को ना इस टावर को भी कंप्लीट कर देना है, तो गाइस मैं जा रहा हूँ अभी सोना, ठीक है ना? एंड कल से अपन काम स्टार्ट कर देंगे बहुत ही मस्त वाला। चलो यार सोते हैं अभी, बाय माफिया द चॉप, नहीं नहीं इसका नाम क्या था, चॉप द माफिया ना, क्या नाम है तेरा यार, एक तो नाम भी बहुत, चॉप द माफिया, गुड मॉर्निंग। तो ब्रो यार अभी अपन जग चुके हैं, ठीक है? एंड अभी अपन चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, अभी अपन जाएंगे ना अपने स्टोर हाउस में एंड वहां से भाई जो भी जरूरी सामान है ना आज मेरे को लगेगा बनाने के लिए पूरे के पूरे टावर को, वो सब ले लूंगा मैं।
अभी पहले ना अपन देख करके आते हैं, थोड़ा इसका मुआवना करा जाए कि एग्जैक्टली इसमें काम करना कैसे, बिकॉज आज मेरे को आइडिया नहीं है भाई। मैं तुम्हें पहले बता दूं ब्रो कि अभी इसकी प्रेजेंट हालत क्या है, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिक डोर है इसके अंदर, ठीक है। एंड यहाँ से तुम देख सकते हो भाई, थोड़ा सा मैंने तोड़ दिया था कल इसको, ओके। एंड यहाँ से मैंने एक चीज सोची है ना, मैं यहाँ से पानी डालूंगा, चारों तरफ ग्लास लगाऊंगा, उसके बीच में पानी आएगा, ठीक है, उसके थ्रू अपन ऊपर पहुंचा करेंगे। एंड ब्रो बीच में मैं कोई भी लेवल नहीं बनाने वाला हूं। तुम अभी देख सकते हो ब्रो कि इस पे ना ऊपर पहुंचने के लिए मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है फिलहाल, ठीक है। उसके लिए मैं वाटर के एलिवेटर का काम मिलूंगा, देन वहां पे एक फ्लोर बनाएंगे, वहां पे अपन रह सकते हैं, मर्जी पड़े जब सो सकते हैं, ठीक है। कभी अपने को लगेगा कि ऊंचाइयों पे जाना है मेरे को, ठीक है, पहाड़ों में जाना है, वहां पे सोना है मेरे को, फील लेना है, मस्त बादल की हवा खानी है, बादल की हवा, तब भाई मैं ऊपर जाके सोया करूंगा उस पर, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले तो क्या करना होगा, ये जो पूरा का पूरा है ना घर, नीचे का ये कमरा है, इसको पूरे को मेरे को आगे की तरफ शिफ्ट करना होगा, ओके। उसके लिए मेरे को पहले आगे ब्लॉक से कवर करने पड़ेंगे सारे के सारे चीजों को। अरे यार मेरे को भी याद आया, ठीक है, नहीं पूरा का पूरा गड्ढा एक क्रीपर ने करा था, मेरे पीछे आ रहा था, उसके बाद से फूट गया था क्रीपर। यार मतलब कभी ना नाटक कर ही देता है यार वो, ओके। तो गाइस तुम देख सकते हो मैंने यहाँ से ना फ्लोर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे डर्ट लगा लगा के। अभी ना अपने को बहुत काम करना पड़ेगा, काम कुछ इस तरह से करना है, मेरे को एक्स लानी पड़ेगी एंड बहुत ज्यादा ओक लॉग लाने पड़ेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ भाई अपन जो टावर बनाएंगे ना पूरा डार्क वुड का बनाएंगे, तो डार्क वाले ओक बहुत ज्यादा चाहिए मेरे को। उसके बाद में थोड़ा सा मेरे को स्मूथ स्टोन लाना पड़ेगा, मतलब ब्रिक बनानी पड़ेगी। चलो 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 अभी मेरे को आइडिया आ चुका, ठीक है, मेरे दिमाग में बहुत ही खतरनाक तरीके से अपन बनाएंगे इसको, ओके ओके। 64 के दो स्टैक ये हो चुके हैं, 43-35 के ये हो चुके हैं, सब चीजें भी तैयार है मेरे पास, अभी चलते हैं बाहर की तरफ। अरे भाई साहब यार ये क्या मजाक है यार, ये बारिश क्यों आ गई अभी? मतलब मैं इतना मस्त लगा हुआ था अपने काम में, एकदम से बारिश आ गई है ना, कोई बात नहीं। खैर अभी मैंने क्या सोचा था, कितना ब्लॉक करना है मेरे को, ये अंदर से अभी तक था ये 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक 6 ब्लॉक 7, ओके यहाँ तक मैं इसको खींच रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस तुम देख सकते हो मैंने चारों तरफ ना यहाँ पे लगा दिया है पूरे के पूरे स्टोन ब्रिक्स, ठीक है। अभी ये मेरे पास खत्म होने वाली है, एक स्टैक ऑलरेडी मेरे पास खत्म हो चुका है, ठीक है ना यार। अभी मेरे को क्या करना है ना, तुम देख रहे हो यहाँ पे पूरी पूरी दीवार को तोड़ना पड़ेगा अंदर से, अब बारी है लकड़ियों की। एंड ये बारिश कब रुकेगी यार, एक तो यार ना भाई बिना बताए बारिश होती है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है यार। भाई साहब बहुत तेज बारिश हो चुकी है, ठीक है, अभी रात भी होने वाली है, मेरे को दिख रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे, ठीक है, सोने, बिकॉज आज भाई अपन ने काफी काम कर लिया है, पूरा बेस को एक्सटेंड कर दिया है, अभी काम कल चालू होगा भाई। तो सभी दर्शकों को सूचित किया जाता है कि मौसम के खराब चलते आज की व्यवस्था को यही रोका जाता है, आज के दिन का कार्य समाप्त होता है, अभी मैं जा रहा हूँ सोने, इस कार्य को हम कल शुरू करेंगे। दिन हो चुका है भाई अगला, गुड मॉर्निंग करने की इच्छा है मेरे को, बिकॉज बारिश खत्म हो गई है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आज अपन जाएंगे वापस से, ठीक है, अपने बचे हुए काम को पूरा करने। ओके गाइस तो अभी अपन आ चुके हैं, ठीक है, अपने बेस पर जहाँ पे अपन काम चला रखा है, अपन ने थोड़े खाना खा लिया जाए, बिकॉज खाना खाना भी जरूरी होता है, ठीक है। ओके गाइस तो तुम देख सकते हो बहुत ही सही लग रहा है, ठीक है, अभी अंदर से ये जगह। एंड अभी ना मेरे को देखना पड़ेगा जो सेंटर पॉइंट होगा ना इस पूरे के पूरे स्क्वायर या रेक्टेंगल के, रेक्टेंगल है वैसे ये, ठीक है, तो इसका मेरे को सेंटर पॉइंट निकालने पड़ेंगे। वहां पर मैं ना इस पूरे के पूरे टावर को शिफ्ट करने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड में। अरे माइनक्राफ्ट में ना भाई तोड़ने में बड़ी मौत आती है मेरे को, ठीक है, लेकिन एक बार जब टूटने के बाद चीज बनती है ना भाई, जो सुकून मिलता है ना कोई मैच नहीं कर सकता उस चीज को यार, ठीक है। ओके गाइस तो ना अभी मैंने पूरी की पूरी लकड़ियां तोड़ दी हैं, एंड मैं हूं देखो तुम यहाँ पर, ठीक है, ये देख रहे हो तुम मेरे को, हल्का से यदि मैंने शिफ्ट छोड़ दिया ना ब्रो सीधे नीचे जाऊंगा, हड्डी पसली एक हो जाएगी मेरी, ठीक है। अभी ना मेरे को ऊपर की चीजों को तोड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से इनको। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सीधे नीचे गिरूंगा तो काम तमाम है क्या मेरा? मतलब मेरे को लग तो रहा है भाई मैं सीधे मर सकता हूँ नीचे गिरने के बाद, ठीक है। तो गाइस ना मैंने यहाँ से ऊपर की पूरी छत भी उड़ा दी है, अभी टाइम आ चुका है खतरों के खिलाड़ी बनने का वापस से। मेरे को ना सीधा जंप लगानी है, जंप, वाह क्या बात है, इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद जंप, नाइस। ओके तो फाइनली भाई मैं आ चुका हूँ नीचे, एंड अपन ने ऊपर का पूरा एरिया क्लियर कर दिया है, अभी टाइम आ चुका है ब्रो ये पूरे के पूरे बेस को तैयार करने का, ठीक है। ये लास्ट थी भाई, फाइनली ना अपन लगा दिए सारे के सारे स्लैब्स यहाँ पर, बहुत सही यार। तो भाई अभी ना अपने को चाहिए होंगे ग्लास, बिकॉज ब्रो मैं ना ऊपर जाने की जो एलिवेटर है वाटर वाली उसके अंदर चारों तरफ ग्लास लगाऊंगा, ताकि भाई बाहर से लुक आएगा बहुत ही कातिलाना, ठीक है। अभी तुम देखना, ओके मैं पहुंच चुका हूँ भाई, मैंने कल ग्लास बनाए थे 64 ये रहे मेरे पास, एंड 26 ये रहे भाई मेरे पास सैंड, ठीक है। काम करता हूँ उसको ग्लास के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे। ओके ब्रो तो बाकी ग्लास यहाँ पे बनते रहेंगे, अभी अपन चलते हैं वहां पे, ठीक है ना, वापस अपने टावर के पास में, अपने कैसल के पास में। तो ब्रो अपने को ना कुछ ऐसे ऐसे लगाने पड़ेंगे ये ग्लासेस, ठीक है, चारों तरफ से। ओके तो तुम देख सकते हो भाई कि अपने ने यहाँ पे सारी चीजें लगा दी हैं, अभी मेरे को ना सेम के सेम चीज रेप्लिका करनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये जो सेम ग्लास है ना भाई इनको सीधे अपन ऊपर चढ़ाएंगे फिर हिमालय तक लेके जाए।
हिमालय तक नहीं, मतलब मैं इसको, मेरे को नहीं पता, मैं देखता हूँ मैं कितना मेरे को अच्छा लगेगा ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी हाइट बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, टावर की, इसलिए मैं काफी ज्यादा लंबा इसको करने वाला हूँ, एंड देखते क्या रहता है। अभी चलते हैं बाहर की तरफ अभी अपन। ओके सो गाइस, फाइनली ना यार मैंने बना के तैयार कर लिया है भाई टावर, ठीक है। अभी मेरे को एक चीज याद आई, अभी तुम देखना इतने ऊंचे हैं, ठीक है, अपन इतनी ऊंचाई पर है ब्रो, यहाँ पे मैं बनाऊंगा पूरा ऊपर एक फ्लोर, ठीक है। उसके बाद मैंने मतलब क्या नजारा आ रहा भाई, तुम देख रहे हो इतना खतरनाक नजारा आ रखा है, यहाँ से सारे पेड़ दिख रहे हैं, सारी नदियां दिख रही है, सारे पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सी नजारा आ रहा है। बस मैं यहाँ से गिर नहीं जाऊंगा, गिर गया ना भाई डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाऊंगा मैं, मेरे को ना अभी समझ में नहीं आ रहा मैं नीचे उतरू कैसे है, मैं चढ़ तो गया ऊपर, नीचे कैसे उतरना है भाई, कुछ है भी नहीं क्या, डर्ट बची है तो ब्रो कोई नहीं, अब डर्ट का ही काम में लेते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं। मैं भी रिस्क लेने वाला हूँ, ठीक है ब्रो, मैं भी बनने वाला हूँ ड्रीम। अभी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ओके बहुत सही, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एंड अभी मैं थोड़ा खाना खाने वाला हूँ, एंड वापस मैंने लगा दिया है, एंड ब्रो दिस इज हाउ यू प्ले माइनक्राफ्ट, ठीक है, Fearless level high. Later. Okay, bro, तो finally ना मैंने पानी डाल दिया है वहां पर, एंड तुम देख रहे हो ब्रो कुछ ऐसा नजारा आ रहा है अपने टावर का। अभी मेरे को ना एक डाउट है कि क्या मैं ऊपर तक पहुंच पाऊंगा क्या भाई इस टावर के, ठीक है, बिकॉज है क्या ना प्रॉब्लम यार, अपनी ना एक लाइफ रहती है जो कि मेरे हिसाब से कम नहीं हो जाए जैसे मैं ऊपर पहुंचू, ठीक है, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा है। अभी चलते हैं। No! किधर गया मेरा सारा सामान, रुको अभी इसको लेके आना होगा यार। क्या हो गया ये। तो गाइस अभी अपन ऊपर आ चुके हैं, ठीक है, वापस से मरने के बाद मैं, एंड अभी मैं ना एक काम कर रहा हूँ, चारों तरफ से फ्लोर एक्सटेंड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी बनाते हैं अपन फ्लोर को। गाइस मेरे को ना बहुत ही ज्यादा घबराहट हो रही है अभी, है ना, एक तो हाइट इतनी ज्यादा है भाई मेरे को देखा नहीं जा रहा है, दूसरी बात है अगर मेरी शिफ्ट छूटी, ठीक है ना, यदि मेरी उंगली शिफ्ट पे से हटी मैं सीधे निपट जाऊंगा एक बार में। ओके ऐसा बनाया है अभी, है ना, चारों तरफ मैंने लगा दिए काफी बड़े बड़े वाले ब्लॉक्स, ठीक है, कभी स्टोन के अलग अलग कलर के, कलर कॉम्बो जरूरी है ब्रो, ठीक है, दिखने के सारे पैसे हैं यार। एक क्राफ्टिंग टेबल यहाँ ही बना लेता हूँ। ओके गाइस, फाइनली ना मैंने कंप्लीट कर दिया कंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे टावर का, ठीक है, ए टू जेड मैंने कर दिया, मतलब थोड़े बहुत डेकोरेशन बच रहे हैं अपन बाद में कभी कर लेंगे। एक्चुअली मैंने मैंने सोचा भाई कितना ही खींचे अपन वीडियो का, ना जबरदस्ती का मैंने फाइनली कंप्लीट कर दिया, अभी तुम देखना, ठीक है, ये देखो भाई ये है अपना फाइनली टावर, ठीक है ना, तुम देख सकते हो मैंने इसको पूरा पैक नहीं करा, बिकॉज ना ब्रो अगर मैं इसको पूरा पैक कर दूंगा तो मजा ही नहीं आएगा टावर का, ठीक है, वही अपन भी क्लोज वाली जगह रहेंगे। नहीं 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 मैं चाह रहा था फुल हवा की फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है, फुल नजारा दिखना चाहिए, तो तुम देख सकते हो ब्रो मैंने यहाँ पे ग्लास लगाया है, ऊपर की तरफ ब्लॉक लगाया है, ठीक है ना, पूरा गांव अपने को दिख रहा है, अपना घर अपने को दिख रहा है, अपना फार्म दिख रहा है, एंड इस तरफ देखो ब्रो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भैया यार ढंग से नहीं दिख रहा है, वो मजा नहीं आया टावर वाला, तो तुम्हें मैं दिखाता हूँ मजे की बात। ओके तो यहाँ पे मैंने स्टेयर्स लगाई है भाई, एंड यहाँ से तुम ऊपर आओ एंड खूब मजे करो, ठीक है, ऊपर आने के बाद भाई फुल हवा अपने को मिलेगी। एंड मेरे को भी एक डाउट है, तुम लोग मेरे को बताना कि क्या अपने को चारों तरफ फैंस वगैरह लगाना चाहिए क्या कुछ, बिकॉज मैं तो नहीं चाहता यार, मतलब क्या ही जरूरत है भाई, देखो ना कितना मस्त नजर आ रहा है, मैं कितना सा बच रहा हूँ, देख रहे हो तुम, मैं ऑलमोस्ट बाहर आ चुका हूँ भाई, शिफ्ट छूटेगा ना काम खत्म है भाई, ठीक है, मैं भी गिर के देख लिया था मैंने, बड़ा ही स्वाद आ जाता है यार। तो तुम लोग बता दो ब्रो अपने को लगानी चाहिए क्या चारों तरफ फैंस, या फिर ऐसे रहने दे, ठीक है ना। एंड अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई नीचे से लुक कैसा आ रहा है अपने पूरे के पूरे टावर का, तो अभी चलते हैं नीचे। ओके तो अभी बाहर आ चुके हैं अपन, ठीक है ना, यहाँ से। ओके ब्रो तो अभी अपन मुड़ के देखेंगे, मैंने खुद ने ना असली में अभी तक नहीं देखा है टावर लग कैसा है नीचे से, अभी देखते हैं। ओके यार मेरे को तो बड़ा ही सही लग रहा है, कितना बड़ा बेस है, बीच में से जो ये पानी की पूरी लिफ्ट जा रही है ना एलिवेटर, मजा आ गया भाई देख करके, ठीक है। तुम लोग कॉमेंट से बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है, एक काम करता हूँ मैं ऊपर जाके देखता हूँ, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है क्या मेरे को, यहाँ से तो नहीं दिख पा रहा है, बालकनी में से दिख रहा होगा, ये देखो ब्रो बालकनी में से अपना टावर पूरा का पूरा दिख रहा है ना, मेरे को बड़ा सी लगा यार। तुम लोग कमेंट्स करके बताना ब्रो तुम्हें कैसा लग रहा है अपना टावर, ठीक है ना। तो बस यार यही कुछ आज का वीडियो था, आई होप दैट यू लाइक इट, तुम्हें मजा आया हो देख के, ठीक है, तुम्हें मजा आया अपने नए टावर को देख करके यार। खत्म करते हैं इसको, #GameOver।